पाकिस्तान के बाबर आजम पर भारी, इंडिया की मंधाना हमारी। जी हाँ गाइस, भारतीय वुमेन टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना को वुमेन आईपीएल के ऑक्शन में आरसीबी ने 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो कि बाबर आजम को पीएसएल से मिलने वाली राशि से लगभग दुगना है। असल में बाबर आजम पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और उन्हें पीएसएल से एक सीजन के लिए इंडियन रुपीज के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए ही मिलते हैं, जो कि मंधाना के एक सीजन की कमाई से लगभग 2 करोड़ रुपए कम है। इतना ही नहीं, दीप्ति शर्मा 2.6 करोड़, जेमिमा रोड्रिग्स 2.2 करोड़, शेफाली वर्मा 2 करोड़, हरमनप्रीत कौर 1.8 करोड़ और रेणुका सिंह 1.7 करोड़ जैसी महिला खिलाड़ियों से भी बाबर आजम कमाई के मामले में पीछे रह गए हैं। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है क्यों पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इतने कम दाम में खरीदा जाता है? क्योंकि जो बाबर आजम पीएसएल में 1.5 करोड़ रुपए में बिकते हैं, वही बाबर बाहर की लीग में भी लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए ही कमा पाते हैं। ऐसा क्यों होता है क्या आपको पता है? पाकिस्तान आज के समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ से लोन लेने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा है। और हो भी क्यों ना, एक आईएमएफ ही है जो पाकिस्तान को भुखमरी से बचा सकता है, लेकिन आईएमएफ से पैसे लेने के चक्कर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब आईएमएफ वालों ने $7 बिलियन का लोन देने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कुछ पेपर में साइन करने को कहा, तो उन्होंने बिना पढ़े ही उन पेपर्स में अपना अंगूठा लगा दिया। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उन पेपर्स में लिखा था कि हम आपको पैसे शर्त पर दे रहे हैं कि आप अपने देश के लोगों से दुगना टैक्स वसूलेंगे। यानी कि पाकिस्तान के वो लोग जो पहले 160 रुपए किलो का आटा खरीद कर खा रहे हैं, उन्हें इस हालात में अब दुगना टैक्स भी देना पड़ेगा। वैसे गाइस, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को मुसीबतों से निकालने की बजाय उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।